कश्मीर हो या भारत देश का कोई भी कोना हो, इसका महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा। और हमें सुरक्षा कौन प्रदान करता है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और जैसा कि मैं सिर्फ दो लाइन कहना चाहूंगा कि सन 99 में कारगिल युद्ध हुआ था और जिसको हमने विजय प्राप्त हुई थी 26 जुलाई 1999, जिसमें आज एक ऐसा दिन है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन भी है, उसके लिए उसके अलावा ये गम भरा भी दिन है, क्योंकि हमारे देश में हमारी जन्मभूमि ने 527 ऐसे वीर सपूतों को खोया था जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते, ना आज भूल सकते ना 100 साल बाद भूल सकते। इसी के साथ साथ में लगभग पाकिस्तान ने जो कुठाराघात किया था उसमें हमारे 1400 जवान शहीद हुए, वो 1400 जवान घायल हुए थे और 527 जवान शहीद हुए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। और जो हमारी डिफेंस के लोग हैं, जवान हैं, किसी भी कंपनी से वो हों, उनके लिए कोई भी हमारे पास में ऐसा शब्द नहीं है उससे उसका हम बखान करके इनका मान सम्मान बढ़ा सकें। इंडियन आर्मी, जितनी भी कंपनी में, ये हमारे दिलों में आज भी राज करती है और हमेशा राज करेगी। और हमें अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति को समझे और हमारे देश के जवानों का हमेशा सम्मान करें। और बहुत ही उन्नत कार्य किया पटियाला भंडारे को, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना उन्नत कार्य किया और इनका मान सम्मान बढ़ाया। इनका मान सम्मान तो हमारे वैसे ही शिखर पर है जैसा कि आप देख रहे हैं श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा के जो मुख्य पिलर है। भारत माता की, भारत माता की, ये यात्रा किसी भी कीमत पर संभव नहीं। आप लाखों करोड़ों रुपए सड़क पर बिछा दी, यात्रा संभव नहीं जब तक सुरक्षा नहीं है। मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ हमारे ये 8-9 भंडारे के बाहर प्रतिदिन रात को जाकर सर्दी में फेरा दे रहे हैं, क्योंकि भंडारे वाले को कोई परेशानी ना हो, इसके अंदर कोई यात्री जन सो रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। पर हम कोई भंडारे के अंदर कोई भी गेट नहीं है और इसको आज हम बिल्कुल सो रहे हैं, हम तो रात को काम करके पता नहीं कहाँ पहुंची दुनिया में, हमें कौन सुरक्षा दे रहा है, यही लोग सुरक्षा दे रहे हैं। इनका मैं चरण छूकर आशीर्वाद चाहता हूँ, हमेशा आप इसी प्रकार देते।